दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSD के बारे में। SSD जिसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो SSD है ये कंप्यूटर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही अगर आप किसी बड़े लेवल पे कंप्यूटर को यूज करते हो, जैसे गेमिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, या अगर फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इस तरीके की चीजें अगर आप यूज करते हो तो आपको SSD के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि SSD क्या होता है। देखो दोस्तों SSD एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है, सेम लाइक हार्ड डिस्क की तरह। हार्ड डिस्क की तरह आप इसमें भी जो कंप्यूटर का सारा डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस, जितनी भी चीज आपके कंप्यूटर में है वो सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे बात यह आती है कि हार्ड डिस्क और SSD में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी बताया हुआ है कि जो आपकी SSD है ये फास्ट है और HDD यानी हार्ड डिस्क है ये स्लो है, ऐसा क्यों? इसके लिए जरूरी है पहले आप ये समझो कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका हार्ड डिस्क है, अगर आप इसको खोलते हो तो आपको कुछ इस तरीके का ओवरव्यू नजर आएगा। तो यहाँ पे तीन मेन चीजें होती है, एक होता है स्पिंडल, एक प्लेटर और यहाँ पे होता है एक्चुएटर। तो यहाँ पे जो मेन जो कंपोनेंट है वो होती है प्लेटर, जिसको डिस्क बोलते हैं। जो आपको डिस्क यहाँ नजर आ रही है इसको प्लेटर बोला जाता है, और इसी में जो आपका कंप्यूटर का सारा डेटा है वो स्टोर किया जाता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए इसमें डिस्क का यूज होता है, और जो डेटा स्टोरिंग होती है वो आपका एक्चुएटर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है HDD में, वो आपका स्टोर हो रहा है एक डिस्क के ऊपर। अगर इसी के अंदर में हम बात करें SSD के बारे में, तो जब आप SSD को खोलते हो तो वहां पे जो आपका डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है माइक्रोचिप्स के अंदर। किसके अंदर? माइक्रोचिप्स के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या है कि भैया आपका जो डेटा, अगर आप किसी कैसेट में, किसी CD में डेटा को स्टोर करो तो आपको अच्छी तरीके से पता है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप एक पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करो तो 5-6 मूवी आपकी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड में या 1-2 मिनट में आपका जो डेटा है वो इजिली पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो CD आप स्टेशनरी से खरीदते हो, आपने अक्सर खरीदी होगी स्कूल के प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, तो वहां पे जो CD की कॉस्टिंग है वो भी कम होती है, 10-20 रुपए होती है, लेकिन उसमें जो डेटा है वो आप कम स्टोर कर पाते हो। जबकि आप पेन ड्राइव जो लेते हो जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, उसके अंदर भी माइक्रोचिप होता है, तो उसमें डेटा आसानी से और तेजी से स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो आपका हार्ड डिस्क है इसके अंदर डिस्क होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और आपका जो SSD है इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोचिप्स। तो दोनों का आप एक इजीली लाइव कंपैरिजन ले सकते हो, जो है एक डिस्क आप जो स्टेशनरी से खरीदते हो कैसेट, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो पेन ड्राइव का। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इनके मेजर डिफरेंस के। देखो जो आपका हार्ड डिस्क है वो आपको प्राइस रेट में कम मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाते हो हार्ड डिस्क लेने तो जो हार्ड डिस्क आपको 2-3 हजार रुपए का मिल जाएगा, वहीं अगर आप SSD लेने जाओगे तो वो आपको 10-12 हजार का मिलेगा। तो इनका जो रेट है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। सेम लाइक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप अगर एक CD ले रहे हो तो आपको कॉस्टिंग मिल जाती है 10-20 रुपए, लेकिन अगर आप पेन ड्राइव ले रहे हो तो कॉस्टिंग मिल जाएगी 250-300 रुपए। ये क्लियर हो रहा है? तो क्योंकि माइक्रोचिप से इसलिए इसका रेट ज्यादा है, और यहाँ पे जो आपका CD है, डिस्क है, इसलिए इसका रेट कम है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मैंने एक चीज और बोली थी कि यहाँ पे एडिटिंग के लिए, फोटोशॉप के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका यूज ज्यादा करें। देखो होता क्या, ज्यादातर अगर आप बड़े कंप्यूटर्स देखोगे या फिर मैं लैपटॉप्स की बात करूं जो अब मार्केट में आ रहे हैं इस जनरेशन में, वहां पे आपको ऑलरेडी SSD इंस्टॉल्ड मिलेगी। इसका रीजन क्या होता है? देखो जो हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मतलब नाजुक। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हार्ड डिस्क आपके हाथ से गिर जाती है, बहुत टाइम से आपने चलाया नहीं है, या फिर इधर उधर हो गया, कुछ घिसावट हो गई, तो आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है। उसके अंदर डिस्क होती है, अगर वो डिस्क जरा सा भी ऊपर नीचे होती है या फिर उस पर खरोंच लग जाती है, बहुत टाइम से चली नहीं है, रनआउट नहीं हुई है, तो उसके अंदर का जो डेटा है वो आपका परमानेंटली खत्म हो सकता है। लेकिन जो आपका SSD है इसमें माइक्रोचिप्स होती है, तो माइक्रोचिप्स होने की वजह से यहाँ पे इसमें ना ही अगर आपके हाथ से SSD गिरता है, कुछ भी होता है, तो ये इतना सेंसिटिव नहीं है कि आपका जो SSD है वो जल्दी खराब हो जाए। तो SSD इस मामले में बहुत सही होता है। और इनलाइक मैंने आपको बोला कि भैया जो स्पीड आपको डिस्क देगा उससे कई गुना स्पीड आपको मिलेगी माइक्रोचिप्स में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितना काम आपका जो हार्ड डिस्क है वो 10 मिनट में करेगा, वो काम आपका जो SSD है वो आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए जो स्पीड है SSD की वो हार्ड डिस्क के मुकाबले कई ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग एडिटिंग या फिर कोई ऐसी चीजें करते हो जिनको डेटा लूज होने का खतरा है या फिर भैया स्पीड अच्छी चाहिए, तो उसके लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप SSD यूज करो बजाय हार्ड डिस्क के। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें क्या यूज हो रही है डिस्क, इसमें क्या यूज हो रहा है माइक्रोचिप्स। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, कंटेंट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।